एडीजी जोन अखिल कुमार व मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने ऑपरेशन ट्रिनेट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 112 चौराहों पर कैमरा लगवाने वाले पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि जनपद में जब ऑपरेशन ट्रिनेट अभियान शुरू हुआ था तब हम लोगों ने जनपद के संभ्रांत नागरिकों से अनुरोध किया था कि वह अपने अपने क्षेत्र में व चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, जिसमें 50 से अधिक चौराहों पर शहर के सम्मानित नागरिकों ने आगे आकर कैमरा लगवाया, जिससे महानगर के अधिक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लग पाया और अपराध पर अंकुश लगाया जा सका। जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी मंडलायुक्त के साथ बैठक करके निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाए, जिसके बाद डीपीआरओ के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग ने अच्छा कार्य किया और प्रधानों को जागरूक करके ग्रामीण क्षेत्रों में 112 चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाया, जिससे लोग जागरूक होकर अपने अपने गाँव में कैमरा लगवा रहे हैं। अब हर घर कैमरा का अभियान चलाया जा रहा है, जल्द ही हर घर को हम लोग कैमरे से कवर कर लेंगे, जिससे अपराध पर पूरी तरह से विराम लगेगा। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, सीओ कैंट श्याम देवबिंद, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, अब ओपन कर दिया कि हर गांव में एक जगह होना चाहिए। सर आप ऐसे बता दें, एक चिट्ठी भेज देंगे हर गांव में एक चौराहा, सचिव ग्रुप में भेज देता हूँ, हर हर जगह लग जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहाँ कहाँ कैमरे लगे रिलीज कर देते हैं, जब वो ऑलरेडी अखबार में आ चुका है लिस्ट भी डाल देंगे। ठीक सर, बोल रहे हैं अभी और ये लोकेशन चेंज होता रहता है, वो चेंज हो जाता है। ये हमारा मेन बॉल है, आईजीएल ने स्पॉन्सर किया, उसी के नाम से इसका नाम रखा आईजीएल। आओ भाई आओ, लाइए लाइए भाई। एक तो सर ये थोड़ा बता दें इनको, हम लोग यहाँ उपस्थित हुए अपने त्रियायत कंट्रोल रूम में, हमारे मध्य गोरखपुर मंडल के कमिश्नर श्री एन जी रवि जी भी हैं, मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज हम यहाँ इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिनेत ने सेंचुरी मार ली है और उस 100 से ज़्यादा स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में कैमरे लग गए हैं और इसका श्रेय डीपीआरओ साहब और उनकी टीम को जाता है। आज जो टीम है यहाँ उपस्थित है उन्हीं को कमिश्नर साहब ने सहर्ष स्वीकार किया आमंत्रण को, क्योंकि ये पूरी जो देहात क्षेत्र में योजना है कि कमिश्नर साहब की ये साथ मिल के प्लान की गई थी और उन्होंने ही इसको नेतृत्व दिया था। आपको याद होगा कि जुलाई के महीने में हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, उसमें सभी ग्रामीण भाई आए थे और कमिश्नर साहब ने उनको मोटिवेट किया और उनको बताया कैसे लगना है, तो उस माइलस्टोन को हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। और उसी क्रम में मैं बारी बारी से नाम बुलाऊंगा और वो लोग उपस्थित होंगे, उसको कमिश्नर साहब आज प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम
हम बुलाते हैं बीच में गौरी राम में एडीओ है सबसे पहले संजय जी ने सर तेजी लाई इस अभियान को अपने आप ब्लॉक में तेजी कराया ये मनोज जी ये सर वो एडियोज हैं जिन्होंने पूरे जनपद में लीडरशिप दी अपने तेजी से अपने काम की कहानी ये है कि हतोत्साहित हो गए थे कि सर हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता और फिर 10 दिन में इन्होंने परिवर्तन करके सारी जगह लगवा दिया मटट की हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक और अच्छे कामों में रहा आप करीब आज जब त्रिनेत्र अभियान शुरू हुआ तो शुरुआती प्रथम चरण में हम लोगों ने शहर में अच्छे सांभ्रांत नागरिकों से रिक्वेस्ट की थी और प्रथम चरण में करीब 50 से ज़्यादा चौराहों पर शहर के अच्छे नागरिक आगे आए और इन कैमरों को लगवाए थे ये प्रमुख चौराहों को उन्होंने कवर किया और एक अपना एक मुश्त धनराशि उन्होंने सीधे वेंडर्स को दिए थे और जिससे ये कैमरा क्रियाशील हो गए उस तरफ हम लोग ने फिर इसको सोचा क्यों नहीं देहात की ओर जाएं और उस वक्त कमिश्नर साहब के साथ हम लोग ने बैठे और इस योजना को देहात में कैसे ले जाया जाए इस पर विचार विमर्श हुआ और आज हमारे बीच में कमिश्नर साहब हैं पंचायती राज विभाग के DPRO यहाँ पे हैं इन सभी ने एक टीम बन के हम लोगों ने ये योजना को ग्रामीण क्षेत्र में ले गया जहाँ प्रधानों ने फिर इस कार्यक्रम को नेतृत्व दिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के फंड को हम लोग ने लिवरेज किया है और आज हम ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से ऊपर आज 112 लोकेशन पर ये कैमरे लग चुके हैं चौराहों पे और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी अब ये त्रिनेत्र तेजी से बढ़ रहा है साथ ही साथ हम लोग ने हर घर कैमरा भी अब इसमें जोड़ दिया जिसमें लोग अपने घर में अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से भी घर लगा सकते हैं मुझे उम्मीद है जल्द ही हम गोरखपुर का हर इंच हर चौराहा हर नुक्कड़ कवर कर लेंगे और गोरखपुर में छोटे मोटे भी अपराध करना अपराधियों के लिए दुर्भर होगा।